आपने पूछा मुझे बड़ा जबरदस्त सवाल है। दीक्षित भाई, भगत सिंह जो है हाँ, ये स्वर्ग में है कि नरक में है? उन्हें मोक्ष प्राप्ति है। कोई प्रमाण दे सकते हैं आप किस आधार पे? ये जो आज आपने जो डिबेट स्टार्ट किया था, पहला श्लोक गीता 2:37, हाँ उसी में प्रमाण है, उसको थोड़ा निकाल। उसमें तो अच्छा, उस बेस पे, हाँ, मगर दो का वो तो सही। उसको मिले मगर वो तो उसको मिलेगा जो श्री कृष्णा में अपनी आस्था रखते हो, जो अर्जुन था। नहीं, 2:37। हाँ, 2:37 उसके लिए काम, ये याद रखें, हाँ स्वर्ग और भगवत गीता उसके काम आएगी जो श्री कृष्णा में आस्था रखता था। ये किसने कहा? आपको बदला बहुत अच्छे, मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखिएगा। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ओ ओ ओ ओ। अभी देखते हैं भगवत गीता क्या कहती है इसके बारे में। सॉरी सॉरी, भगवत गीता 18:66, सर्वधर्मान परित्यज्य नामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्णा कहते हैं सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। जी सर, एक ये प्रमाण है, मैं इसमें इसी पे। श्री हाँ, कृष्ण, हाँ जी जी आप क्या बोल रहे थे? एक ये प्रमाण है जिससे पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्णा के धर्म का पालन करना है तो आपको मोक्ष मिलेगा और आप पाप से दूर रह सकते हो। सारे धर्मों का त्याग करना है, सर्वधर्मा, ठीक है, सर्वधर्मा, सारे प्रकार के धर्मों को आपने त्यागना है और श्री कृष्णा के पीछे आना है। ये बात श्री कृष्णा ने की है। अच्छा, एक तो ये चीज, अब आप सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, एक तो ये प्रमाण हो गया, ठीक है। जलने लगे हैं, किथे गई किथे गई, एक मिनट रुकिएगा। ये देखें जी, अच्छा जी, ये देखें जी, आपके सामने 18:68, वो जो इस अति गुह ज्ञान को मेरे भक्तों को सिखाते हैं वो अति प्रिय कार्य करते हैं, वो निसंदेह मेरे धाम में आएंगे, मेरे गांव में आएंगे। इस ज्ञान को, भगवत गीता को, मेरे भक्तों को सिखाते हैं। इससे भी ये चीज पता चलती है कि भगवत गीता मेनली, या वैसे भगवत गीता श्री कृष्णा के भक्त है, ये जानना चाह रहा अब मैं बोल सकता हूँ। हूँ। अरे मुझे बता दें, भगवत गीता जो, भगवत गीता सॉरी, भगत सिंह जो थे भगवत गीता श्री कृष्ण के भक्त थे, थोड़ा बता दिए मुझे, मैं अगला आप पढ़ने लगा हूं ना फिर। ये उपदेश 18:67, जो आपने पिछली बार कहा था कि आपकी बात हो रही है, ऐसे ही है ना?
ठीक है तो मैं अब इसका उत्तर देता हूँ, फिर दो श्लोक हो गया। अठारह एक बार अठारह का 67 भी सुना लूं। ये उपदेश उन्हें कभी नहीं सुनाना चाहिए जो ना तो संयमी हो और ना ही उन्हें जो भक्त नहीं हैं। इसे उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने के इच्छक नहीं, और विशेष रूप से उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो मेरे प्रति द्वेष रखते हैं। अब मैं जानना चाह रहा था, हाँ इसमें एक सवाल को और जोड़ लें जो आपने निमित्त के बारे में पूछा था कि कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम मास्टर निमित्त बन जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ओ वो बाद में, वो जो आपको बता रहा हूँ फ्री विल का था वो इशू, अच्छा किया आप आए। भगत सिंह जो है, पहले इसको ले लेते हैं ना, आपने एक सवाल पूछा था मेरे दिन में, भगत सिंह जो है वो श्री कृष्णा के भक्त थे? नहीं, श्री कृष्ण के भक्त नहीं। तो फिर हाँ, तो गीता जिसने पढ़ी है और गीता का जो मूल है वो यह है कि अगर तुम मानवता के लिए काम करोगे तो तुम किसी के भी भक्त हो, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। अगर तुम खुद के लिए काम करोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मानवता ही धर्म है, मानवता ही सनातन, सनातन का दूसरा। ओहो, ये तो आपके दावे हो गए ना, मैं अभी दिखा दूंगा आपको भगवत गीता किसे सनातन धर्म कहती है, वो तो अलग चीज है, आप इसे फिलहाल एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मानवता की बात आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ भगत सिंह श्री कृष्ण के भक्त नहीं थे तो एटलीस्ट भगवत गीता कोई उन्होंने पढ़ी हो, कोई इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि रिसेंट हिस्ट्री है। मैं इसका आंसर शुरू में दिया था, 2:37 जो आपने सबसे पहले निकाला था, अगर वो फिर से निकाल, वो भगत सिंह साहब ने पढ़ी थी जिस वक्त वो फांसी हो रही थी या कब? मुझे, मैं सुना नहीं था आपकी बात पूरी। उसके मुताबिक कार्य किया था जैसा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि निष्काम कर्म, अपने राष्ट्र के राष्ट्र को पहले रखा। नहीं, वो निष्काम, वो तो कहते थे इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, तो राष्ट्र को पहले रखा, राष्ट्र के लिए खुद की चिंता नहीं की। राष्ट्र, एक मिनट समझना चाह रहा हूँ, ईश्वर को पहले रखना है या राष्ट्र? भगवत गीता ईश्वर को रखने का कहती है पहले या राष्ट्र को? राष्ट्र और ईश्वर में भेद कहाँ है? अगर आप सांख्य, अगर आपको सांख्य अच्छा से क्लियर है तो राष्ट्र और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, पूरी सृष्टि ही परमात्मा है, परमात्मा ही सृष्टि। नहीं, एक मिनट, अगर राष्ट्र और पूरी की पूरी सृष्टि, ब्रह्मा और पूरी सृष्टि एक है, तो फिर राष्ट्र के लिए, राष्ट्र तो केवल एक टुकड़े का ना? नहीं, मुझे समझ नहीं पा रहा, सांख्य फिलोसफी और गीता, कंफ्यूज हो गई मैं। दीक्षित भैया, कुछ आसान कीजिए इसे, ये क्या है? तो मैं एक एक करके आंसर देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने पूछा सर्व धर्मान प्रत्यचे, मतलब सभी धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। नहीं, वो तो ठीक है, तो मैं एक एक करके आंसर देना, मैं असल में जानना ये चाह रहा हूँ। ठीक है, वो दीजिएगा, टाइम हमारे पास है, तसल्ली से दीक्षित भाई बात करेंगे आपसे, हमेशा अच्छी बात होती है। मैं जानना चाह रहा हूँ ईश्वर और राष्ट्र एक ही है? यानी इसका मतलब है जो गोरे मर रहे थे वो भी स्वर्ग और मोक्ष पाए हैं? यानी भगत सिंह ने जिस गोरे को मारा था उसको भी मोक्ष मिला? ओहो, धत तेरे की, बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि राष्ट्र उसके लिए भी तो राष्ट्र था ये। ओहो, यानी भगत सिंह को मारने वाले भी मोक्ष प्राप्त कर गए, भगत सिंह भी ओहो, आपने अच्छे से मेरा बात सुना नहीं। जो भी अपने राष्ट्र के लिए निष्काम, निष्काम एक ऐसा शब्द है जो अगर नहीं लगा रहता तो आपका पद सही होता, लेकिन निष्काम मैंने बोला, बिना किसी, यानी भगत सिंह जो है वो निष्काम था और गोरे काम वासना से प्रभावित थे। सिंपल। अच्छा, गोरे जो हैं वो भी राष्ट्र चाहते थे और भगत सिंह ने भी राष्ट्र के पक्ष के लिए, राष्ट्र के हित के लिए जान दी। राष्ट्र का कहने का मतलब क्या, ये समझिए, राष्ट्र में जमीन का टुकड़ा का बात नहीं कर रहा, मानवता, जो भी मानवता के लिए निष्काम कार्य करेगा वो परम गति को प्राप्त होगा, परम धाम को प्राप्त होगा।
ठीक है, मगर गोरे भी तो अपनी मानवता और अपनी प्रजा के लिए तो उन्नति के लिए कर रहे थे, फिर फर्क कैसे करेंगे? भगत सिंह भी अपनी प्रजा की उन्नति के अपनी लिए कर रहे थे। अपनी मानवता दूसरी की मानवता कुछ नहीं होती। अगर गजा में लोग मरे तो वो भी मानवता का हानि है, चाहे इजराइल में लोग मरे वो भी मानवता का हानि है। वो दोगले लोग होते हैं जो मानवता अपनी अपनी अलग बनाते हैं। मानवता एक है, जबरदस्त वही सनातन है। जबरदस्त। अगर मानवता एक है, अलग अलग नहीं है, चाहे गजा में लोग मरें या इसराइल में मरें, तो फिर हाँ गोरों गोरों के मरने को भी मोक्ष मिलना चाहिए ना। ये तो पक्षपात हो गया कि आप भगत सिंह को तो मोक्ष देते हैं, गोरे को मोक्ष नहीं देते। पक्षपात तो तो आप यानी कर रहे हैं, ये तो ये मुनाफकत है जो आप कर रहे हैं अच्छा, गोरे को मोक्ष क्यों मिली ये बताइए। वो भाई। वो भी तो मानवता की बात कर रहा था ना, अपने मानवता के लिए और राष्ट्र के लिए। मानवता उसका की भी, बात वो भी तो नहीं, राष्ट्र पे आ गया था ना। नहीं तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़े हैं, इसका मतलब क्या? पाकिस्तान में हिस्ट्री पढ़ाया जाता है? यहाँ यहाँ अंग्रेज ओहो, ने कितना देखिए शोषण मैं किया भगवत इंडिया गीता, देखिए याद याद रखें दीक्षित भाई, का। इस आप वक्त देखिए इतिहास किसी को हम ऐतिहासिक ग्रंथों को नहीं खोल रहे हैं, भगवत गीता के अनुसार परख रहे हैं। फर्क समझना आपने, आप मुझे गलत अंग्रेजों समझ ने रहे हैं भारत पर कि मैं कितना शोषण किया पक्षपात क्या कर रहा आपको नहीं हूँ। पता? देखें दीक्षित भाई, आपको ये गलती लग रही है कि शायद मैं पक्षपात कर रहा हूँ। मेरे भाई दीक्षित भाई, मैं पक्षपात नहीं कर रहा। जो आप अपना विचार रख रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि भगत सिंह को तो आपने मोक्ष दे दिया राष्ट्र के लड़ने, राष्ट्र पे लड़ने के लिए। वही गोरा भी इस राष्ट्र के लिए, इस भूमि के लिए लड़ रहा था, उसको भी फिर मोक्ष दें। उसके लिए भी हतुवा प्राप्सि स्वर्ग, प्राप्स्यसि स्वर्गम, उसके लिए भी 2 का 37 लगाए ना फॉर्मूला। आप क्या कह रहे हैं, क्या आप खुद समझ पा रहे हैं? गोरा इस राष्ट्र के लिए लड़ रहा था, उसने कितना जी शोषण किया भारत में, क्या आ आपको पता है? जबरदस्त ब्रिटिशर्स ने कितना जबरदस्त एक्सप्लोइटेशन किया है, चाहे जो भी इन्वेडर्स आए ब्रिटिशर्स के पहले, जो भी मुगल्स आए, जो भी कितना भी, भारत उच्च संस्कृति को बिगाड़ दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, हमारी धरोहर नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, क्या नहीं किया इन लोगों ने? ये गोरों ने किया था। गोरों ने नहीं, मैं इन्वेडर्स की बात कर रहा हूँ, जो भी पहले आए, या फिर गोरों ने भी बहुत काम किया। आप इतिहास गोरों पढ़, ने, गोरों ने नालंदा को जला दिया था। पिछली बार व्हाट्सएप का नहीं जो अपडेट मुझे मिला था वो तो मुगल थे। नहीं मैं सब की बात कर रहा हूँ, जो भी आक्रमणकारी जितने भी आए, इन सब की बात कर रहा हूँ। और सिर्फ आप स्पेशल गोरों की करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। अठारह सौ अच्छा, सत्तावन ठीक क्रांति आप पढ़ लो। ठीक है ठीक है, जबरदस्त हो गया। इसका मतलब यह है कि भगत सिंह जो है उसको मोक्ष मिला। हाँ, भगत सिंह आस्तिक था या नास्तिक था? आस्तिक या नास्तिक से यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है। कपिल ऋषि हुए हैं एक वो नास्तिक थे, हमारे यहाँ सनातन में उच्च कोटि। एक मिनट एक मिनट, भगवत गीता के अनुसार कोई आस्तिक हो या नास्तिक उसको मोक्ष मिल सकता है? क्या भगवत हाँ गीता के जी, अनुसार? हाँ मिल सकता है, जरूर। ओहो, रुकिएगा ए, प्लीज प्लीज दीक्षित भाई रुकिएगा, इधर तो काम खराब हुआ पड़ा है। आपको तो भगवत गीता दोबारी सिखानी और पढ़ानी पड़ेगी। उसे उच्च हाँ लोकों तो में स्थान मिलेगा और मोक्ष के भी संभव। जी, मैं एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं अगर आपको भगवत गीता जो है वो पढ़ना चाह रहा हूँ दोबारा। आपने कह दिया है नास्तिक को भी मोक्ष मिलेगा। ओ, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है, मुझे इसको देखने दीजिए जरा, एक मिनट दीजिएगा। ये देखिएगा जरा, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, मुझे समझाइएगा, क्योंकि आप भगवद गीता को अच्छे से पढ़ रहे हैं और जानकारी इस पर रखते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं, ये आपके सामने है भगवत गीता 9 की 12, ये बताइएगा जरा, पढ़िएगा जरा प्लीज। प्राकृत शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को ग्रहण करते हैं। इस मोहित अवस्था में उनके
आत्मकल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है और उनके कर्म फल व्यर्थ हो जाते हैं और उनके ज्ञान की प्रकृति और उनके ज्ञान की प्रकृति निष्फल हो जाती है। अब ये जो लिखा हुआ है उनके कर्म फल व्यर्थ हो जाते हैं, भगत सिंह नास्तिक था या श्री कृष्ण जी का भक्त था, ये आपको पता है? आप इसे थोड़ा छोटा कर दें। छोटा क्यों कर दूं? हाँ ऊपर संस्कृत में देखना है, संस्कृत देख लें। नहीं उसे छोटा करें, पूरा नहीं दिख रहा हिंदी में जो। ये देखें, ये ले, कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है जो नास्तिक हो जाता है वो कहां, संसार कहां से जी प्राकृत शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे असुरी और नास्तिक विचारों को ग्रहण करते हैं। हाँ इस मोहित अवस्था में उनके आत्मकल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है और उनके कर्म फल व्यर्थ हो जाते हैं और उनके ज्ञान की प्रकृति ठीक है प्रकृति निष्फल हो जाती है। देखें आप कह रहे हैं नास्तिक को मोक्ष मिल जाता है, वो कह रहे हैं भगवत गीता 9:16-9:12 कह रही है कि जो नास्तिक और असुरी विचारधारा के लोग होते हैं उनके कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। नास्तिक यहाँ पर वो भाई अनुवाद कर रहे हैं, मैं बड़ी दिक्कत है मेरे लिए, अभी मैं वेद पे नहीं गया कि जो नास्तिक और वेद निंदक होता है उसके साथ क्या होता है। मैं जानना चाह रहा हूं कि भगवत गीता आप कह रहे हैं नास्तिक को भी मोक्ष मिल जाता है, दीक्षित भाई थोड़ा मुझे बताइए भगत सिंह जो है ये नास्तिक थे या कृष्ण जी के भक्त थे, थोड़ा जानना चाहता हूं। हैं निकल गए किधर गए? टाटा बिरला मेहता अंबानी इंडियन आर्मी स्वर्ग नर्ग हमसे तो बहुत पूछा जाता था, भगत सिंह जी दिक्कत हो गई। देखे मैं गीता से बाहर नहीं गया, मैंने अपने ने ये नियम रखा था मैं गीता से बाहर नहीं जाऊंगा, अभी मैंने वेद नहीं पेश की गीता। ओहो हो 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 एक्स मुस्लिम ने तो लग गए